दोस्तों, आप इस बाबा के बारे में तो अच्छे तरीके से जानते होंगे जिसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। और हमेशा से इसका काम रहता है मसीह लोगों को टारगेट करना, मसीह लोगों को नीचा दिखाना और उन पर दोष लगाना कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं, लोभ देकर प्रलोभन देकर उनका हमेशा से मतलब नीचा दिखाना और उनको टारगेट करना हमेशा से। और कल 22 अक्टूबर ये पंजाब में गया हुआ था, वहाँ पर जब मीडिया वालों ने इसे घेर लिया और मीडिया वालों ने कुछ सवाल इसको पूछे तो कुछ बातें इसने बोली। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमेशा जैसे ये करता है मसीह लोगों को टारगेट करना, तब भी इसने किया। और साथ ही इसने परमेश्वर की महिमा का शब्द जो हालेलुया हम उच्चारण करते हैं उस शब्द का मजाक भी बनाया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी अपने चैनल पे बहुत से ऐसे वीडियोज अपलोड किए हैं जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों ने यीशु मसीह के इस शब्द की महिमा की मजाक बनाई और उन लोगों ने फिर अंजाम भी भुगता। वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ ही जब इसने ऐसा बोला तो पंजाब के क्रिश्चियन लोगों ने इसके विरोध में कुछ एक्शन लिया है, तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने प्ले करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर चाहिएगा। प्ले वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। हमारा सौभाग्य, पंजाब संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जो उन्नत है और यहाँ के लोग बड़े प्यार वाले होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं। आते ही सबसे पहले हम स्वर्ण मंदिर गए, वहाँ पर जो सरदारों ने स्नेह पूर्वक प्रेम लुटाया उसके हम ऋणी हैं। हमने गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन किए और दरबार साहब में हमने मत्था टेका। इसके बाद में फिर हम दुर्गियाना मंदिर भी गए। अब यहाँ पर 3 दिवस तक भगवत चर्चा देवी महात्मा के ऊपर सुनावेंगे। और पंजाब बहुत अच्छा क्षेत्र है, बस हमारा ध्येय पूरे भारत वर्ष में अपनी संस्कृति संस्कार के प्रचार प्रसार का है और सनातन के प्रचार प्रसार का है। और केवल हम यही चाहते हैं, ये जितनी भी विदेशी ताकतें हलीउल्लाह हैं, ये ना तो गुरुद्वारों में घुसे, ना मंदिरों में घुसे, ना भोले भाले हिंदू या किसी भी मजहब के व्यक्ति को बहलाए ना बहकाए। इसीलिए हम केवल जगह जगह जा रहे हैं और हमारा कोई ध्येय इसके लिए बाबर का नहीं, रघुवर का देश है। रघुवर के देश में जब तक ये विधर्मी लोगों के हाथ पांव नहीं कानून का सिकंजा मजबूत किया जाएगा, ये विधर्मी लगातार भोले भाले हिंदुओं को सनातनियों को जगह जगह जाकर के प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कर रहे हैं, इस पर विशेष कसाव नहीं होगा तब तक इस देश में यह परिस्थिति निर्मित है। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरीके से ये बागेश्वर बाबा हालेलुया शब्द का मजाक उड़ा रहा है और मसीह लोगों को टारगेट कर रहा है और उन पे झूठे आरोप लगा रहा है। इनके पास कोई सबूत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने प्ले करने चाह रहा हूँ। जब इन्होंने ऐसा वहाँ पर बोला तो वहाँ के क्रिश्चियन लोगों ने फिर इसके ऊपर एक्शन लिया, तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने प्ले करने चाह रहा हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिएगा और इसके ऊपर आप अपनी राय जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धीरेन्द्र शास्त्री नाम का बंदा एक गोल्डन टैंपल विखे आया सी, दुर्गियाना मंदिर आया सी, उत्थे आ के जो साडा पवित्र लफ्ज़ है हालेलुया दा उन्हें तोड़ मरोड़ के बड़ी अश्लीलता दे नाल इन्हें पेश किया, जिदे नाल पूरे मसीह भाईचारे दे हिंदरे हिरदे जिहड़े आ रुंदरे गए ने। और मैं अज मंग करदा प्रशासन कोल, क्योंकि पिछले दिनों दे विच साडे पंजाब दे जिहड़े सीएम ने उन्होंने एक बयान दिता सी भी जिहड़ा भी बंदा पंजाब दे विच हेट स्पीच करेगा या किसी भी धर्म के खिलाफ बोलेगा उत्ते जिहड़ी बनदी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अज ये बंदा बाहरों आ के जिहड़ा पंजाब दा माहौल खराब कर रहा वा, जो पंजाब दे विच जिहड़ी शांति आ उन्हें खराब कर रहा वा। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में मत्ती अध्याय 5:11 के अंदर साफ लिखा है, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण सताए जाते हो, जब लोग मेरे नाम के कारण तुम पे सताएं और तुम पे झूठी बातें बोलकर सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब तुम आनंदित और मगन रहना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, हमेशा से ऐसे बाबा बहुत से लोग आते रहे और प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ उसके लोगों के खिलाफ बोलते रहे, हमें डरने की जरूरत नहीं है, लोग कुछ भी कहें। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे, ऐसा तो होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, ज़रूर आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर ऐसे लोगों का मन जरूर परिवर्तित करे, ताकि अभी सच्चाई जाने, क्योंकि हम अपने प्रेम से ऐसे लोगों को जीत सकते हैं, ना कि विरोध करके, ना कि किसी को गलत या पूरा कहकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई बहनों, आप लोग जरूर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरा तो बस यही मकसद है। और बाकी अगर परमेश्वर के विरोध में जो कोई बोलता है, परमेश्वर अपना न्याय खुद चुकाता है, वो न्यायी है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो अपने आप जरूर देख लेगा। और इसके विषय में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो प्लीज़ आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आप क्या कहना चाहते हो जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार पहुंचे तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस।